अस्सलामुअलैकुम मैडम, मैं रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट ऐप्स। ये तो आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर हम कोई पुश नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ अपडेट हो या एप्लीकेशन का नया वर्जन आए या कोई नई वीडियो पोस्ट हो या कोई भी कोई एक्टिविटी हो, कोई ऐसा नया फीचर ऐड हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जिस पर आप क्लिक करके आप नोटिफाई कर लेते हैं कि ये अपडेट आई है, ये चेंजेस हुए हैं या कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इसी तरह से रिलेटेड जो है जो आपको बताऊंगा कि आप पुश नोटिफिकेशन यानी कि जिसने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी उसके पास आप नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, सो फर्दर इसके स्टार्ट करने से पहले आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, जीमेल हो या हो प्रॉब्ली जो है जीमेल ही यूज़ करते हैं। सो मेरे तो ऑलरेडी अकाउंट्स जो हैं वो साइनअप मैंने किए हुए हैं, तो आपको एक मैं टेम्परेरी ईमेल से साइनअप करना बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जाना है वन सिग्नल पे। ठीक है, इस पुश नोटिफिकेशन के लिए हम वन सिग्नल यूज़ करेंगे। आप में काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसका वन सिग्नल क्या है। ठीक है, इसमें आगे फर्दर आपको बताऊँगा इसके क्या डिज़ाइन है, क्या इसके डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे सबको सेंड करना है या कोई सेलेक्टिव किसी को सेंड करना है वो कैसे करना है। मीन्स कि आपको ए टू जेड सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, सो वन सिग्नल पे आपने चल जाना है onesignal.com। इसके अलावा आपने जो है फायरबेस हमें चाहिए होगा इसके अंदर। ठीक है, फायरबेस से आपने प्रोजेक्ट बना लेना कोई भी, और इसके अलावा मैं यूज़ कर रहा हूँ टेम्परेरी मेल टेम्प मेल। ठीक है, सो टेम्परेरी मेल होती है किसी भी अकाउंट को टेम्प्रेरी तौर पर अगर आपने सेस करना है या कोई डेमो बनाना है तो उस चीज़ के लिए उसको आप परमानेंट यूज़ ना करें। परमानेंट यूज़ करने के लिए अपना जीमेल आपका जो रियल अकाउंट है, ताकि कल को अगर आपके कोई अपग्रेडेशन करनी है, कोई मजीद आपको कोई पासवर्ड रिकवर करना है कुछ भी, तो आप अपना रियल ईमेल जो आपको याद होगा आप वो यूज़ करें ताकि आप उस चीज़ को रिकवर कर सकें। सो यहाँ पर क्लिक करके सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाकर जो हम इसको साइनअप कर लेते हैं। ठीक है, सो देखें यहाँ पे साइन अप के लिए रिक्वायर्ड है ईमेल पासवर्ड कंपनी नेम। अगर जिस नाम कर रहा हूँ आपने जीमेल करना है तो आप सिर्फ गूगल पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल पासवर्ड देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका अकाउंट बन जाएगा। सो यहाँ पे ये मैं ईमेल एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ दे देते हैं हम कुछ भी। ठीक है जी, और कंपनी नेम हम QSA शॉर्ट फॉर्म क्विक स्टार्ट ऐप्स कर देते हैं और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ टाइम हमें साइनअप यहाँ कर देगा। इसके बाद जो आपको एक ईमेल भेजता है आपके ईमेल में इनबॉक्स में, जिसको आपने क्लिक करके ये देखें अभी बता रहा है वी हैव सेंड ईमेल प्रोवाइड लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। सो इसको अब क्या करना है, हम जब यहाँ पे अपने आएंगे सो यहाँ पे हमें जो है ये हमारा ईमेल ये देखिए इनबॉक्स में मिल गया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओपन करने के बाद सो ये हमें मिल गया कंफर्म योर अकाउंट। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड फर्स्ट टाइम मिलेगा। ठीक है, सो अब ये कह रहा है ऐड योर ऐप और उसको आगे फर्दर प्रोसेस करें ताकि कॉन्फ़िगर कर लें। तो यहाँ जाने से पहले अपने आप कोडर में आएंगे। ठीक है, सो आप कोडर एप्लीकेशन बना रहे हैं चाहे पी बिल्डर में, प्रोसीजर इसका सेम या चाहे थन केबल। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक सर्च कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा पुश नोटिफिकेशन के नाम से। ठीक है, तो सिंपल आप पुश नोटिफिकेशन लिखेंगे तो आपको ये एक कंपोनेंट मिल जाएगा, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर लें। ज़्यादातर ये फर्स्ट स्क्रीन पे ही इसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, या सेकंड पे, वो आप पर डिपेंड करता है, एप्लीकेशन आपकी कोई भी है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इम्पिटी प्रोजेक्ट है, सिंपल इसको एक बना रहा हूँ सो ताकि सर आपको बताने के लिए। ठीक है, सब हमें क्या रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ वन सिग्नल ऐप आईडी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या करना है, एप्लीकेशन का नेम हमारे पास यहाँ पर था जी पुश नोटिफाई, आपकी एप्लीकेशन का नेम होगा आपने वही देना है, और इसमें से ये जो अंडरस्कोप है इसको हटा दें, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है गूगल एंड्रॉयड FCPM। ठीक है, मोर ऑप्शंस भी हैं लेकिन हम जो ऐप एंड्रॉइड पे बना रहे हैं तो हम इसके लिए यही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देंगे कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमने गूगल एंड्रॉयड FCPM यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, फायरबेस के सर्वर की और फायरबेस सेंडर आईडी। ठीक है, अब चाहे तो इसको यहाँ कॉपी फ्रॉम योर फायरबेस कंसोल पे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट कर देगा आपको फायरबेस पे, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, फायरबेस में आपके जो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है उस पर क्लिक करेंगे और आपको जैसे डैशबोर्ड नज़र आएगा उसके बाद अपनी सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है और चल जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग में। ठीक है,
इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देने और यहाँ से ये देखें ये आपको आपके सर्वर की मिल रही है, सेंडर आईडी मिल रही है, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है अपनी सर्वर की को और आ जाना है इसके अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये सेंडर आईडी है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको आपने जो है इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है सेलेक्ट एसडीके, हम नेटिव एंड्रॉयड ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एंड्रॉयड ही बना रहे हैं, नेटिव है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद अब आ गया है इंस्टॉल एंड टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये जो है ये आपकी आ गई ऐप आईडी, इसको आपने कॉपी कर लेना, सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी और इसको जो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। सो ये आपका वन सिग्नल जो है एक्टिवेट हो गया इसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है चेक सब्सक्राइब यूज़र, अब चेक करना है कि आप क्या वाकई ये आपका जो आपने प्रोसीजर किया ये वाकई एक्टिव हो गया या नहीं। तो यहाँ क्लिक जब हम करेंगे इसके ऊपर तब क्या कह रहा है, वी हैव नॉट डिटेक्ट एनी सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जब जिस तरह ये मैंने आईडी डाल दिया इसके अंदर, तो इस ऐप का एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल, फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना लाजमी है। यह आपको लाइव डिटेक्ट करके जो है नहीं कंफर्म कर सकता है। जब तक एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगी तब तक ये उसको सब्सक्राइबर काउंट नहीं करता। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको एक इसके एपीके बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने फ़ोन में और फिर आपको जो है फर्दर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। सो अब जो है इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन, एप्लीकेशन खाली थी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्लिक करता हूँ चेक सब्सक्राइब यूज़र पे। सो अभी ये देखें अब ओपन होगी, अब इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। देखें अब आप देखें कि डिवाइस का जो है वो भी हो गया यहाँ पे, जो भी नेम था और इसने क्या कही, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट यूज़र इज रनिंग ऑन, ठीक है। सो अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है सेंड अ मैसेज और डन, तो हम सेंड अ मैसेज पे क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ से डन भी कर देते हैं, ठीक है। डन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा इसका। सो डैशबोर्ड ओपन हो गया, यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ सेंड टू सब्सक्राइब यूज़र और सेंड टू पार्टिकुलर सेगमेंट्स, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ इसको सिंपल ही करके चलें ताकि आपको एटलीस्ट एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस पढ़ेंगे लेकिन जितने भी देखने वाले हैं उसको या सीखने वाले हैं वो कंफ्यूज रहते हैं वन सिग्नल को हमेशा एक्टिवेट करते हुए। सो ये बहुत सिंपल करके मैंने आपको बताया है इसके अंदर, ताकि आपको किसी किस्म को कोई मसला ना आए, ठीक है। सेंड टू सब्सक्राइब यूज़र, जाहिर बात है जिसने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी आप उसी को ही जो है सेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम फिलहाल यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई है नहीं हमारा। सो इसके बाद आ जाएगा ऐड लैंग्वेज, ये भी आप अभी जो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होगी तो इंग्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके सामने एक फ़ोन बना हुआ है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे आपका आउट मतलब आपका डिज़ाइन भी दिखाएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं और आपने उसको वो कैसे सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माय फर्स्ट नोटिफाई, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसकी हेडिंग होगी और नीचे हो जाएगा मैसेज मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल QSA, ठीक हो गया जी। ये एक सिंपल सा ये हो गया आपका नीचे आ गया मैसेज जो आपने मैसेज लिखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई इमेज इसमें अपलोड करनी है, ठीक है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, कहते हैं चूज फाइल, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है फेसबुक गूगल ड्राइव, अगर आपने डायरेक्ट कोई अपलोड करनी है वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अपने यहीं से कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि ये लोगो हो गया इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोई URL है, कोई पिक्चर है वैसे वो आपने करनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितना पार्ट इसका करना है, मतलब क्रॉप करना है या नहीं, तो इसको हम यहाँ सेव कर देते हैं जितना भी है फिलहाल, ठीक है। और ये अब आपकी इमेज अपलोड कर देगा अपने उस पर। सो इमेज हमारी अपलोड हो गई है। सो यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है, ठीक है।
और ये जो है यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको मैं जो है रिमूव कर, ये इमेज ये वाली है जो कि आपने यहाँ नीचे कोई इमेज अगर शो करनी है उसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है लॉन्च यूआरएल। लॉन्च यूआरएल का मतलब है कि अगर आपने इसके क्लिक पे, नोटिफिकेशन क्लिक पे अगर आपने कोई एक्टिविटी करवानी है, जैसा कि डीप लिंक हम बनाते हैं कि एक स्पेसिफिक स्क्रीन पर जाना है, स्पेसिफिक एक्शन करवाना है, कोई वीडियो प्ले करवानी है डायरेक्ट, तो ये उस चीज़ के लिए ये लॉन्च यूआरएल जो है ये आपने करना है। और इसके लिए डीप लिंक बनता है, वो मैं कोशिश करूँगा आपको मैं वीडियो बना के दूँ डीप लिंक की भी, कि आपने डायरेक्ट अगर कोई एक्टिविटी ओपन करवानी है, कोई एक्शन करवाना है, तो आप कैसे करेंगे। फिर प्लेटफॉर्म सेटिंग आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये चीज़ें थोड़ी एडवांस आ जाती हैं। अब इसमें आ जाता है ये लार्ज आइकन, वही मैं यूआरएल यहीं पे फिलहाल डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं दिखाऊँ। अब ये आइकन आता है समटाइम्स सामने आता है, सो ये वो आइकन इसका आ गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से फिलहाल यहीं भी हटा देता हूँ, और फिर आपको दिखा देता हूँ बिग पिक्चर। तो ये उसी तरह जिस तरह ये नीचे पिक्चर आती है, ये वो चीज़ है, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ कर देता हूँ स्माल आइकन में सेम यूआरएल को। तो ये स्माल आइकन जो होता है ये आपका ऊपर जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का आइकन शो हो रहा होता है, सो ये जो है उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। सो इसको भी फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब आप जहाँ इसको ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज वगैरह ये करना चाहें तो कर लें, वरना आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये रिक्वायर्ड हैं इसमें। आप टाइटल, मैसेज और अपने इमेज या यूआरएल आपने डालना है कोई एक्शन के लिए, परफॉर्म के लिए, तो आप डाल दें, ठीक है। इसके बाद आप सेट करने को साउंड आपने डालना है डिफ़ॉल्ट पे, वो कर दें। लॉक स्क्रीन पब्लिक ही करें इसको, या प्राइवेट करना है, कोई कलर डालना है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सो ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने जो मैसेज सेंड करना है ये इमीडिएटली उसी वक्त सेंड कर देना है, या कोई स्पेसिफिक टाइम रखना है, कि आप कहते हो कि नहीं रात 12 बजे करना है, 2 बजे करना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं इमीडिएटली कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर आ जाएगा पर यूज़र ऑप्टिमाइजेशन, सेंड टू एवरीवन एट द सेम टाइम, या इसमें कह देते हैं इंटेलिजेंट डिलीवरी। इसको आप रिकमेंडेड, इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंट डिलीवरी रख दें, ताकि जो आप ये सिस्टम है वन सिग्नल का, ये आपस ये खुद ऑप्टिमाइज़ करें इस चीज़ को, कि आपकी जो डिलीवरी देनी नोटिफिकेशन की वो कब बेस्ट है। अगर आप एक ही टाइम पर सेंड करेंगे तो कुछ को सेंड होगा, कुछ को नहीं सेंड होगा, या कुछ को मिस हो जाएगा, कुछ का डिले हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट डिलीवरी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही रिसीव होगा आपके यूज़र्स को। इसके अलावा कस्टम टाइम पर यूज़र टाइम जोन है, ये भी अगर करना चाहते हैं कि हर यूज़र का यहाँ डिफरेंट जो टाइम जोन है उस जोन पे, कि पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में किस टाइम पे करना है, इंडिया में है तो इंडिया में किस टाइम पे आपने डिलीवर करना है, यूएसए में है तो तब कब डिलीवर करना है, तो ये सारी एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ें हैं। सो इसके बाद आप जो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग रहने दें, उसको कर दें रिव्यू एंड सेंड पे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आपका ये आ गया है पूरा, कि आपने क्या क्या लिखा है, और यहाँ पे आप आपसे रिव्यू कर लें एक दफ़ा कि आपने जो चीज़ें हैं वो सही की हुई हैं या नहीं। और अब इसको आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखें, अब आपको यहाँ पे ये शो हो गया कि पुश नोटिफाई मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल QSA, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके साथ इमेज भी आइकन आ गया जो मैंने अपलोड किया था, और साथ ही जो है इसके सब्सक्राइब वाला भी आ गया, ठीक है। और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी इस पर परफॉर्म नहीं की गई। मैसेज आपका जैसे नोटिफिकेशन गया, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप इसने ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया आपको डिलीवरी पे, ठीक है। सो ये बता रहा है कि सेंडिंग किस टाइम पे गई है, किस किस टाइम पे, और डिलीवर एक बंदे को हुआ है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, ठीक है। ये आपको ए टू जेड आपके स्टेटस बताएगा, टोटल सेंड कितने हुए हैं, डिलीवर हो गया या फेल हुआ है, एरर आ गया है, रिमेनिंग है, ठीक है, फिर किस किस डिवाइस पे गया है, मतलब आपको ए टू जेड हर चीज़ ये यहाँ पे आपको उसकी ब्रीफ कर देगा, हिस्ट्री पूरी। अब ये देखें इवेंट टू सेंड, उसने बता दी कब सेंड हुआ, कितने टाइम पे और किस टाइम जोन पे गया सेंड हुआ, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आपने यहाँ डैशबोर्ड में आ जाना है अपने, ठीक है, जो कि आपने ये तो फर्स्ट टाइम तो आपने उसने आपको खुद कह दिया ना कि रजिस्टर योर ऐप, फर्स्ट टाइम आप ऐसे करेंगे, जब उसके बाद कर लेंगे तो फिर आप जो है अपने मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे ग्लोबल आपको बता रहे होंगे सारे, फिर बाद नीचे जो है आपको ये सब्सक्राइबर ट्रेंड्स आ गया, मतलब तो यहाँ भी आपको डाटा शो करेंगे ये कि कितने यूज़र्स एक्टिव हैं, मंथली कितने हैं, टोटल कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं, ठीक है। और ये हर चीज़ आपको यहाँ पे आपके चार्ट शो होते रहेंगे। जब आपने नया नोटिफिकेशन भेजना तो आपने यहाँ न्यू पुश पे क्लिक करना है सिंपल, और वही सेम चीज़ आपने कर देनी है, टाइटल, मैसेज और ईमेल जो कुछ भी आप अपना वहाँ दे दें चाहते हैं।
तो वो वहाँ पे ऐड करेंगे और आपको नोटिफिकेशन जो सेंड हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने कोशिश की जितना सिंपल करके आपको बताऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।